राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। नागपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां 45 साल से अधिक उम्र की बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में खड़े दिखे। इनमें कुछ लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो बहुत सारे लोग मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे। 15 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी ज्यादा। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट यानी मरीजों के मिलने की रफ्तार 5% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 13.2% पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा गोवा में 11.1%, नागालैंड में 9.3% और केरल में 9.2% की रफ्तार से संक्रमितों की पहचान हो रही है। डेथ रेट की बात करें तो पंजाब इस मामले में सबसे आगे है। यहां हर 100 कोरोना मरीजों में लगभग 3 लोग जान गंवा रहे हैं। डेथ रेट यहां देश में सबसे ज्यादा 3.2% है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 2.4% की रफ्तार से लोग जान गंवा रहे हैं। सिक्किम में 2.2% और पश्चिम बंगाल में 1.8% डेथ रेट रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।